हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम अपनी बाइक में फ्रंट टायर चेंज कराने जा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि KTM RC 200 में कौन से साइज का टायर डलता है और जो हम टायर डलवाने जा रहे हैं उसका क्या प्राइस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बाइक की टायर की कंडीशन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, टायर पूरा घिस चुका है, इसके जो स्टील वायर्स हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। और गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैट जेलर का स्पोर्टेक M5 टायर है जिसका टायर साइज है 110/70R17। और KTM RC 200 में और KTM RC 390 में इसी साइज का टायर डलता है। तो चलिए मैं आपको शोरूम पर लेकर चलता हूँ और वहां मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी कंपनी का टायर डलवा रहा हूँ। तो गाइज देखिए, मैं टायर के शोरूम पर आ गया हूँ और मैं अपनी बाइक में MRF का टायर डलवा रहा हूँ। और गाइज, हम जिस शोरूम पर आए हैं उस शोरूम का नाम है तनिष्क टायर, जो कि GT रोड पर पड़ता है दोराला में। और गाइज, यहां पर आपको सब तरह के टायर MRF के मिल जाएंगे, बाइक के गाड़ी के हर तरह का आपको टायर मिल जाएगा, वो भी फ्रेश डेट का और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो गाइज चलिए शोरूम पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सा टायर डलवा रहे हैं। तो गाइज चलिए चलते हैं शोरूम में और पता करते हैं अपने टायर के बारे में। तो यहाँ पर अंकल जी बैठे। अंकल नमस्ते। अंकल जी, तो सर KTM बाइक के लिए टायर चाहिए था फ्रंट। हाँ, ले लूँ। कौन सा मॉडल होगा सर आपके पास? 110/70 MRF का मिलेगा। अच्छा सर, दिखा सकते हो एक बार आप टायर? हाँ। दिखा दो सर। तो गाइस देखिए, ये है टायर MRF का, रेव्स FC1। तो ये बताया अंकल जी ने जो हमारी बाइक में डलेगा। तो अंकल जी, प्राइस कितना होने वाला है इसका? इसका प्राइस तो आपको कभी कम से कम ही लगा दूंगा। फिर भी अंकल जी थोड़ा अंदाजा बता दो कितने तक का हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो अंकल जी ने प्राइस जो बताया है 3,3200 रुपये बताया। तो अंकल जी, आपके शोरूम का एड्रेस कहाँ पे होगा? ये लक्ष्मी प्लाजा GT रोड दोराला। दोराला में, मेरठ में। हाँ, मेरे पास सब वैरायटी के टायर हैं। अच्छा अच्छा, का टायर छोड़ के सारे टायर। अच्छा, तो अंकल जी कह रहे हैं भाई, इनके पास हवाई जहाज का टायर छोड़ के सारे टायर मिल जाएंगे। और एक चीज मैं आपको पर्सनली बता दूं कि जो अंकल जी के पास टायर है सारे लेटेस्ट डेट के होंगे, सारे फ्रेश टायर होंगे, कोई भी ऐसा पुराना रखा हुआ टायर नहीं होगा। तो अंकल जी, तो फिर ये डलवा दीजिए हमारी बाइक में। 6 वर्ष की गारंटी दूंगा, पूरी फुल MRF की, MRF के टायर में सुवाली पंचर भी नहीं होती। तो देखा आपने, वो बता रहे अंकल जी की इसकी 6 साल की वारंटी है कटने फटने की और फूलने की। तो अंकल जी डलवा दीजिए फिर ये टायर। ठीक अंकल जी, धन्यवाद आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गाड़ियों के, ट्रक के, बाइक के, स्कूटर के, सब तरह के टायर मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, टायर उतरने लग रहा है और भैया ने टायर उतारना शुरू कर दिया है। भाई थोड़ा यार स्क्रैच मत मारियो बस व्हील पे, व्हील खराब नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये हमारा न्यू टायर और ये भैया लगाने लग रहे हैं इसको। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, टायर बिल्कुल फिट हो चुका है। तो गाइज एक चीज और है, मैंने अपनी बाइक में MRF का जो टायर डलवाया है वो इसीलिए डलवाया क्योंकि मेरी बाइक में जो पीछे वाला टायर है वो भी MRF का है।
तो ये पूरा पेयर हो जाएगा, और जब कभी फ्यूचर में चेंज कराऊंगा तो एक साथ दोनों को चेंज कराऊंगा। तो इसलिए मैंने MRF को ज़्यादा प्रेफर करा है और किसी ब्रांड से। तो गाइस ये मीटर चेक किया है भैया ने कि मीटर चल रहा है नहीं, कभी सेंसर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गई हो टायर निकालते हुए, तो भैया कह रहे हैं मीटर भी चल रहा है, सब कुछ ओके है। तो चलिए बाइक के जैक को हटाते हैं और बाइक को लेके चलते हैं घर। तो गाइस चलिए अब बाइक को लेकर चलते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।